सभी लोग के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर और तुम लोग सोच रहे ये क्या कर रहा है दोस्त, कहाँ करूँ मैं कहाँ करूँ भाई यार। वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का। आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने फोर्ज़ा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर हम लोग चलाते हैं बहुत तेज तेज गाड़ी। और आज हम लोग एक ऐसी गाड़ी लेने वाले हैं जिसको तुम लोग नॉर्मल गाड़ियों की लाइन में गिन भी नहीं सकते हो, तुम समझ रहे हो। मतलब तुम लोग ये नहीं बोल सकते ये तो यार ऐसी गाड़ी है बस ये तो मैं चला लेता हूँ, नहीं भाई वो हाइपर कार होने वाली है, बहुत ज्यादा क्रेजी। वो मेरे कलेक्शन में अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा तेज कार होने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल है गाइस, प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना गाइस, इट हेल्प्स मी अ लॉट। और बाकी 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज करे, थोड़ा सा यू नो यार से कैसे बताऊं, अंदर से ना एक फीलिंग आ जाती है यार कि हाँ बंदे को मजा भी आ रहा है, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उसके बाद तो फिर कंटेंट बना के रहेंगे वाली। तो प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल और चलो चलते हैं भाई फोर्ज़ा वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर में जो कि हमारा कासा बेला घर है। सबसे पहले तो ये देखो आज तुम्हारा भाई क्या चला है, रुको थोड़ा साइड करते हैं, ये एक्चुअली पेड़ वेड़ आ रहे हैं इधर पे। आए आए क्या गाड़ी है यार, मैं बता सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं इसके अंदर चला रहा होता ना मेरे को ऐसा होता है कि यार एक दिन ना रियल लाइफ में भी लेंगे ये गाड़ियाँ। बट ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी है कि उसको सोचने के बाद फिर ऐसा होता है कि नहीं लेंगे, चिले गेम के अंदर ही चला लेते हैं ऐसे। देखो आज हम लोग चलाने वाले हैं हमारी अभी स्टार्टिंग में भाई ये हमारी M5, तुम समझो BMW M5। ये काफ़ी मॉडर्न गाड़ी है सही बताऊँ तो, बट ये इतनी ज़्यादा मस्त है ना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एक्चुअली में ये M5 कॉम्पिटिशन है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। ये सुनो तुम लोग, क्या मतलब मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को। लाइक हमारी फेवरेट गाड़ी तुम सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारी फेवरेट गाड़ी है भाई GTR। ठीक है, GTR हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बट इंडियन सड़कों पे देखा जाए तो GTR इतने नॉर्मली चल भी नहीं पाएगी। अगर तुम्हें नहीं पता था, जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट GTR फास्टेस्ट कार जो इंडिया की थी उसमें आग लग गई थी अभी हाल ही में, जस्ट बिकॉज इंडिया का टेम्परेचर ना, और दूसरी बात इंडिया की रोड्स ऐसी गाड़ी के लिए बनी नहीं है। बट भाई जब मैं M5 को देखता हूँ ना, ये गाड़ी लेजिट, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा फास्ट है। और उसके साथ साथ ये गाड़ी भाई थोड़ा ना बजट फ्रेंडली भी है, जिनको सुपर ऐसे कार्स चाहिए होती है, ये लेजिट भाई लैम्बोर्गिनीज और इन सबको ड्रैग रेसेस में हराती है। ये इतनी ज़्यादा फास्ट है, दिखने की नॉर्मल लग्जरी कार लग रही होगी राइट, बट ये इतनी ज़्यादा मस्त गाड़ी है ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो एक है भाई गुलशन पापा जी, हटिए जरा थोड़ा सा, रेडी हो भाई? ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फास्ट है ना मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता भाई कितनी ज़्यादा। और ये इतनी मस्त है ना भाई चलाने में, ऐसा फील आता है ना मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को भाई, ऐसे चलाने में नहीं बट चलाने में जो फील आता है ना इसको, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भाई। मैं तो बता रहा हूँ भाई, एक दिन अगर कोई मेरे को गाड़ी लेने को मिली ना किस्मत से तो वो M5 ही होगी भाई। मैं एक दिन M5 लेके रहूँगा भाई, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मतलब कि इज्जत का काम करके ही, ढंग से करके ही, काम वाम करके पैसे बचा के एक रुपये एक दिन तो लेंगे भाई। लाइक M5 असली में, लाइक अगर तुम लोग लेने जाओगे तो तुमको भाई ये कहीं पर भी ये गाड़ी 2 करोड़ के आसपास में मिलेगी, समझ रहे हो ना। 2.5 करोड़ में बंदा GTR ले ले वाली बात है, बट ये गाड़ी 2 करोड़ के आसपास फर्स्ट हैंड आती है लाइक रोड पे। बट मैं देखूंगा अगर मेरे को सेकंड हैंड मिल जाए। और ये 2018 मॉडल है, कहने का मतलब 2018 के बाद ना इसका कोई भी लाइक फेसलिफ्ट नहीं आया था, तो होपफुली अगर इसका फेसलिफ्ट आता है तो लोग सस्ती बेच देंगे तो देख लूँगा थोड़ा सा लाइक अभी तो रुकना पड़ेगा, 1-2 साल एटलीस्ट रुकने पड़ेंगे। बड़ी गाड़ी का लगती है यार मजाक सड़ के भाई, यार दिल जीत लेती है, मजाक नहीं करूँगा बस, वो तो मैं इसको थोड़ा झाड़ी झूड़ी में डाल दे रहा हूँ, बट क्या लगती है यार ये गाड़ी। पर अभी हम लोग आए हुए हैं भाई लेने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाड़ी, जो अभी मेरे बस की नहीं है लेना, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ ठीक है। ये गाड़ी अभी हमारे बस की बिल्कुल भी नहीं है लेना, हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ ठीक है। हम लोग को जाना पड़ेगा अपने इवेंट पे, हम लोग कहाँ गया ये रहा ना, चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे, फ्रेडी से मिलूंगा मैं और उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ ठीक है। चलो थोड़े मजे करते हुए चलते हैं भाई। भाई ये गाड़ी इतनी फन है ना भाई, मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को। लाइक ऐसे दिखने में तुमको लगेगी यार क्या ही है यार BMW है, पर जब ये भागती है ना भाई ये अच्छे अच्छे के पसीने छुड़वा देती है भाई। लाइक अच्छी अच्छी गाड़ियों के भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, ये मेरे GTR के बराबर फास्ट होगी मेरे हिसाब से तो भाई, पूरी फुल्ली मॉडर्न ये मेरी GTR के बराबर तो होगी होगी गारंटीड भाई। भाई
और बहुत ज़्यादा फास्ट और इतनी फन टू ड्राइव आ रहा था ना, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इस गाड़ी को चलाने में भाई। बस थोड़ा सा मेरा व्हील आजकल दिक्कत दे रहा है, मतलब अपने मर्जी से भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे को इसका ना वो जो वो था फीडबैक वो बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा यार। क्या गाड़ी लगती है यार, मजाक से हट के मेरे ना दिल में बसी हुई है ये गाड़ी भाई, बहुत क्या बताऊँ। चलो पहुँच चुके हैं हम लोग, हमारी जगह कहाँ है जहाँ पर हम लोग मिलेंगे फ्रेडी से, देयर वी गो। यहाँ पर मैं फ्रेडी को कॉल लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ तुम लोगों को वो गाड़ी। गाइस मेरी फ्रेडी से बात हो चुकी है और अभी क्या बात हुई है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोग भी क्रेजी होने वाले हो, क्योंकि अभी तक का तुमने ऐसी गाड़ी मेरे कलेक्शन में तो नहीं देखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है, और जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता सही बताऊँ कि अभी ले सकते हैं हम लोग। उसके लिए एक बहुत बड़े घर लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद उस घर के बाद हम लोग थोड़े पैसे कमाएंगे, उसके बाद समझ रहे हो तुम लोग, होटल वोटल लेके थोड़े पैसे कमा के फिर हम लोग ले पाते वो गाड़ी। बट भाई फ्रेडी बंदा है भाई, उस बंदे ने लाइक उसने लास्ट टाइम मेरी गाड़ी के लिए वो सब किया था ना, मेरे को रेस वेस में डलवाया था, तो उसने उसके लिए मेरे से बोला है वो मुझे ये FXX के ईवो फरारी दिलवाएगा बट EMI में। कहने का मतलब है कि मैं महीने के उसको पैसे देते रहूंगा और वो मुझे देगा। जैसे तुम लोग देख सकते हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 447K क्रेडिट्स है, और वो भी हम लोग अपनी बुगाटी के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि हमें कैसे भी बुगाटी शीरोन या वीरोन लेनी है। तुम लोगों ने लाइक गोल कंप्लीट कर दिया, आई एम रियली सॉरी, बट यार इस गेम के अंदर पैसे कमाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं मजाक नहीं करूंगा, उसकी वजह से मैं लाइक अभी ले नहीं पा रहा हूं, बट मैं बाय गॉड बहुत ग्राइंड कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, कैसे भी तुम लोगों को बुगाटी दिखाएगा तुम्हारा भाई फॉर श्योर, तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है, मैं हूं ना यहां पे, एक दिन तुम्हें बुगाटी जरूर दिखाऊंगा अपने कलेक्शन में, लिख के ले लो भाई मेरे से। बाकी अभी हम लोग ये फरारी XXX ईवो ले लेंगे, लेकिन ये है 3 मिलियन क्रेडिट्स की, ये बुगाटी से भी ज्यादा महंगी है, मैं तुम्हें दिखाता हूं रुको, और ये बुगाटी से भी ज्यादा फास्ट है भाई देवे, अगर तुम्हें नहीं पता तो, मतलब बराबर मान लो एक तरह। ये देखो डीवो जो 3 मिलियन की है, शीरोन हम लोग लेने की सोच रहे हैं जो कि 2.4 मिलियन की है, फिर इसके बाद वेरोन आती है जो कि 2.2 मिलियन की है। बट भाई ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है, मजाक नहीं करूंगा, और ये हम लोगों को मिल सकती है कैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हम लोगों को कुछ रेसेस जीतनी पड़ेगी फ्रेडी के लिए, क्योंकि उसकी लड़ाई हो चुकी है वहाँ पर, ओके, क्योंकि उसकी ईगो पे बात आ गई है भाई। वहाँ पर एक रेसर है जो कि उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा था कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ना तेरे ड्राइवर काम के और ना कोई काम का है, तो उसने बोला कि भाई वो एक ही बेस्ट ड्राइवर को जानता है जो कि है तुम्हारा भाई, तो भाई उसने हम लोगों को बुला रखा है कि उसकी जितनी भी इज्जत है ना वो हम लोग बचा ले। एंड बिलीव मी ब्रो, जब हम लोग को रेसेस जीत के उसका नाम ऊंचा करेंगे तो भाई सीधी सी बात है वो हम लोगों को पर्क्स भी देगा इसके। ये इसको देख लो भाई, गाड़ी बगल में कैसे ठोक रहा है, देख लो इसको, मेरा ही भाई है वैसे, ऐसी मैं भी चलाता हूँ, बट वही वाली बात है, कहने का मतलब यही है कि भाई सोचो वो बंदा हम लोगों को फरारी ईवो लेने में हेल्प करेगा, समझ रहे हो ना, वो बस ऐसा कर देगा, वो अपफ्रंट दे देगा, फिर हमें फ्रेडी को पैसे देने पड़ेंगे मंथली मंथली। भाई वो बहुत अमीर बंदा है, उसकी गैंगस्टर से बात है, तुम समझ रहे हो ना। तो चलो चलते हैं फटाफट से भाई, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे लगाता हूँ मैप फॉर द रेस और निकलते हैं भाई पहली रेस की तरफ को। तो गाइस चलो चलते हैं अपनी गाड़ी में, अब तुम समझ रहे हो ना मैं कौन सी गाड़ी निकाल रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा था तो यस, हम लोगों ने ये गाड़ी जीती थी भाई, लेट्स गो। 100 मीटर्स टर्न लेफ्ट। यार ये सुप्रा क्या गाड़ी है, मजाक नहीं करूंगा यार, मैं तो प्यार में हूँ भाई इस गाड़ी के साथ, लाइक बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है यार, और दिखने की तो फिर यार कोई कुछ बोल ही नहीं सकता इस गाड़ी को। अरे 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 भाई एक मिनट, जरा गड्ढे में डाल दी दिखने के लिए भाई, क्या लगती है यार ये सुप्रा भाई, सुप्रा MK4 तो अलग ही गाड़ी है भाई, हाय भाई प्रॉपर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील्स देती है गाड़ी, क्या बताओ यार तुम लोगों को, मैं मजाक नहीं करूंगा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ पहली बार, ठीक है, कि कोई भी बंदा ज़्यादा बैटिंग ही नहीं कर रहा था इस गाड़ी पे, फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर फरारी एंजो, इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ थी ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, फरारी एंजो के भी पुराने मॉडल भाई, बहुत सारी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी जो विंटेज, प्रॉपर विंटेज गाड़ियों के अंदर आती है वो थी, इसलिए पता नहीं लोग इसके ऊपर ज़्यादा बैट नहीं कर रहे थे, बट मैंने कहा भाई मुझे तो यही चाहिए थी, मैं तो यही लेने के लिए आया हुआ था, सो मे बी वो लोग रेसर्स थे तो इसलिए वो लोग ज़्यादा लाइक रेसिंग वाली कार्स पे ही प्रीफर कर रहे थे, बट यही चीज़ अच्छी हुई कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो कि है ये सुप्रा भाई, ये 200 की स्पीड में क्या मक्खन भाग रही है, मजाक सेट के भाई। आगे अगर हम लोग इसको ड्रिफ्ट करने की ट्राई करें तो वो पता ही है, ड्रिफ्टिंग भी अच्छे से संभाल ही लेगी, बस यही है सुप्रा में एक ही चीज़ है कि तुम लोग पंजा पूरा ऐसे नहीं दबा सकते, समझ रहे हो ना, कि अगर तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड गियर पे पंजा इसका दबा दिया, गियर रियर व्हील ड्राइव और वो भी बहुत पावरफुल, हल्की नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो भाई ये भाग जाती है, मतलब उड़ने को तैयार भाई ये गाड़ी, ये सीधे छोड़ती है भाई, इसको संभालना बहुत मुश्किल भाई। चलो हम लोग पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर दूर है, आई जस्ट होप यार हम लोग ये सारी रेसेस जीत लें ताकि वो हमारी गारंटीड हेल्प करे वो फरारी लेने में भाई,
मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर फ्रेडी ने आज हमारी फ्राई लेने में हेल्प करी ना भाई, फ्यूचर में फ्रेडी का कुछ भी काम होगा ना तो फ्रेडी भाई बेझिझक मेरे को कॉल करे, मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई, फ्रेडी बेझिझक कॉल करे, कुछ भी काम होगा ना भाई, भाई मैं तो जाऊँगा भाई, चाहे कोई रेस बोले कहीं बोले भाई। लाइक लेजिट यार, बंदे से एक गलती भी जो की थी कि उसने हमारे से मतलब बेसिकली हमारी गाड़ी यार एक तरह से पकड़ ली, हमारी गाड़ी रोक दी, जो कि बहुत गलत चीज़ थी, बट बंदे को अपनी गलती समझ में आई और उसके बाद वो सुधराया और उसके बाद वो दे रहा है। तुम सोचो बंदे की भाई गैंगस्टर से है, प्रॉपर याकूजा जो होते हैं जापान के, समझ रहे हो, उससे बातचीत है उसकी, तब उससे ज़्यादा पंगे नहीं ले सकता कोई भी, और वो हमारी हेल्प मांग रहा है, तो ऐसे बंदे की हम लोग कितनी हेल्प ले सकते हैं बाद में सोचो। अगर बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी कोई गाड़ी चुरा के ले जाता है या फिर कोई बंदा ऐसा आके गैंगस्टर जैसा हमारी गाड़ी वाड़ी का कुछ कर देता है, तो हम लोग भी उसको भाई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेडी अपनी साइड होगा। अगर आज हम लोगों ने उसकी इज्जत रख ली तो भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो जो भी रेसर है भाई जिसने उसकी बेइज्जती करी है ना, और वो भी बहुत गंदी बेइज्जती भाई, उसको पूरा बोल दिया तेरे रेसर्स एकदम फालतू है भाई, तू इतना गंदा है, गाड़ियाँ बेच दे अपनी और घर में बैठ जा भाई, क्या बेइज्जती लगी पड़ी है बंदे की भाई। हम लोग को जाके भाई की इज्जत बचानी पड़ेगी, एंड बिलीव मी ब्रो, सुप्रा के थर्ड बारे उसमें भी ना जब मैं पूरा पंजा दबा दे रहा हूँ ना, गाड़ी लेफ्ट भागने को तैयार हो जा रही है एकदम, सुप्रा गाड़ी तो अलग ही है भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा। अरे यार मेरे बहुत ही मोटे अंगूठे हैं यार, या फिर इनके बटन बहुत अजीब जगह पर। चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो और करते हैं इस रेस को भाई। आई जस्ट होप हम लोग ये रेस जीत पाए, ठीक है। मैं देखो रिकमेंडेड गाड़ियों में ये सारी है, M3 है, फेयर लेडी है, M8 है, ये सारी गाड़ियाँ हैं, बट मेरे ख्याल से अगर रिकमेंडेड में कभी भी कॉर्वेट स्टिंगरे आती है ना, तो मैं तो कॉर्वेट स्टिंगरे ही लूँगा भाई, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लासी और बहुत ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ कंट्रोल्ड रहती है पूरे टाइम पे, मतलब इसको ज़्यादा ऐसा नहीं करना पड़ता कि ऐसे 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 संभालना पड़ता है, ये ना ही ड्रिफ्ट मारती है ना ही ज़्यादा वो करती है, ये बहुत चिपक के चलती है और ढंग से चलती है, तो हम लोगों को इसको यूज़ करना है। और आई होप ये सर्किट में बारिश वारिश ना हो, बहुत बढ़िया भाई, चलो लेट्स गो हो जाए भाई, ये आ गई हमारी स्टिंगरे, लेट्स गो बॉयज। हम लोगों को फरारी चाहिए, फरारी से भी ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए तुम समझ रहे हो ना, हम लोगों को चाहिए फ्रेडी का साथ भाई, एक बार वो बंदा हमारे साथ आ गया ना, लेट्स गो। चलो चलो चलो, ये देख रहे हो तुम लोग भाई, ये स्टिंगरे की बात ही अलग है यार, कसम से भाई देख रहे हो तुम लोग कितने इजीली मैं कुछ भी कॉर्नर वॉर्नर काट ले रहा हूँ। गलती से डाउनशिफ्ट कर दिया मैंने, चल 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 चलो 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 भाई, बहुत सही गाड़ी है यार ये, क्या चलती है भाई, नहीं 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 आउट ऑफ कंट्रोल भाई, हम लोगों को जीतना है, कैसे भी 3 लैप्स निकालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं तुम्हारा भाई है ना, 3 लैप्स में भाई, क्या टाइमिंग क्या हो रही है, ये सामने से सूरज ऐसे चमक रहा है भाई, जस्ट वाओ यार भाई, बहुत ऑफ ट्रैक हो गए हम लोग, चल 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 चल, चल नहीं 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 नहीं, ओ भाई इसने अभी मेरे को रपटा दिया था पूरा, तो पहला लैप अब जाके कंप्लीट हुआ है, हम लोगों को तीनों लैप में रखना पड़ेगा भाई, यही भाई जीतना है तो तीनों लैप में हमें फर्स्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स गो बॉयज, भाई के कोई आगे नहीं, भाई के कोई पीछे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये देखो इस गधे को देखो, इसने क्या करा, इसने मैंने तो फिर भी ब्रेक मार दी, वो बंदे ने सीधे दीवार में डाल दी, ठीक है भाई, तेज आने की भी भाई हद होती है, तेज आ रहा है बंदा और सीधे दीवार में डाल दी, चल 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 भाई बहुत सही हो रहा है चल कॉर्बेट चल 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 भाई, ये रेस हम लोग जीत रहे भाई, एक गलती कर दी थी मैंने, बट वो गलती मैंने हैंड टू हैंड सुधार ली, इसलिए हम लोग ये रेस जीत रहे हैं भाई, मेरे को पूरा भरोसा है भाई, प्लीज़ यार वो बहुत भाई, वो अभी तक की सबसे तेज फरारी होने वाली है मेरी, प्लीज़ ब्रो प्लीज़ यार,
मेरे को चाहिए वो फरारी ब्रो। फ्रेडी मैं भाई कर दूंगा यार। भाई वो रेसर का तो सर नीचे होने वाला है और वो भाई पहली रेस से डर जाएगा, क्योंकि सोचो वो जो रेसर बंदा है ना उसकी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी रेसर मेरे आसपास भी नहीं, तुम समझ रहे हो। तो फ्रेडी की अभी चौड़ क्या होगी सोचो। मेरे मैप देखो, नीचे मैप में एक भी बंदा भाई के आसपास नहीं है। अब तुम सोचो फ्रेडी क्या चिढ़ा रहा होगा उस बंदे को अभी, कि उसका रेसर भाई टॉप पे है और कोई है भी नहीं आसपास। अरे अरे बंदे पकड़ रहे भाई कुछ से, ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने। चल 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 भगवान से भगा, चल 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 चल, लास्ट है, लास्ट लैप है, कम ऑन ब्रो, हमें जीतना है ये वाली रेस, कैसे भी जीतनी है ब्रो। भाई मजाक चढ़ के फिनिश करवाओ भाई, फिनिश करवाओ कैसे भी भाई। भाई हम लोग काफी अच्छी लीड में, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लेट्स गो बॉयज, हम लोग जीत रहे हैं भाई, हम लोग अपनी पहली रेस में फर्स्ट आएंगे। और फिर देखो तुम लोग भाई, बस एक ही चीज होने वाली है कि वो रेसर ना वो तैयार हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई फ्रेडी के पास भी बंदे हैं। चल चल चल, भाई कुछ ज्यादा ही, मैंने कुछ ज्यादा ही तगड़ा ही ब्रेक मार दिया, कुछ ज्यादा ही तगड़ा। कम ऑन फिनिश लाइन दिखता नहीं दी है भाई यार। अरे जल्दी बोल दिया, लेट्स गो। यस यस भाई, भाई पहली रेस में हम लोग फर्स्ट आ गए और वो भी हल्का फुल्का फर्स्ट नहीं आए। लेट्स सी, ठीक है लेट्स सी सेकंड बंदे के कितने हैं। भाई सेकंड बंदा हमसे पूरा एक सेकंड पीछे, नहीं एक सेकंड का तीन सेकंड से भी ज्यादा पीछे है वो बंदा हमसे। ओ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ यार, जब भी मैं कॉर्बेट C8 में बैठता हूँ ना भाई, काम खत्म है भाई, सबका काम खत्म है। एक बार बस कॉर्बेट C8 में बैठा दो भाई को, खत्म। भाई हम लोग पहली रेस तो क्या ही जीते हैं भाई। ये गाड़ी है यार, रुको जरा एक मिनट, इसको ना साइड लगाते हैं पहले। ओ हम लोग 15,000 क्रेडिट भी जीत गए। ओ भाई हम लोगों को जीतने का फ्रेडी ने पैसे भी दिए। लेट्स गो, 4,62,000 हो गए हमारे पास। ओके नाइस। ओ एक मिनट गाइस, मुझे एक बहुत कूल चीज दिखी है। वेट अ मिनट, सीरियसली गाइस, यहाँ पर ना व्हेन इट इज सेफ टू डू सो। वेट अ मिनट, सीरियसली यस, हम लोगों को एक अबैंडेंड कार भी मिल जाएगी। नो वे ब्रो, हम लोगों को एक अबैंडेंड फ्री कार भी मिल गई इसके साथ साथ। देयर इज नो वे, सीरियसली। ओ भाई साहब, डेफिनेटली अ क्लासिक कम्युनिटा, फोर्ड F100, लेट्स टेक यू बैक। फोर्ड F100 बहुत क्लासिक ट्रक मिला है हमको। ये देखो एक बार, पिकअप ट्रक ही तो चाहिए था भाई। अब अगला यही काम है ना मेरा, यहाँ रेसेस जीत रहा हूँ मैं, अगला यही करूंगा मैं, है ना। हाँ वोट के पिकअप ट्रक दे दो मुझे, तुम एक काम करो, यही उठाने आया था मैं। यू विल गेट अ कॉल व्हेन इट्स रेडी। ठीक है ठीक है, चल कोई बात नहीं, कुछ ना से कुछ मिल ही जाए तो बढ़िया है, और क्या करो भाई। ओए व्हील स्पिन भी आया, रुको जरा एक मिनट गाइस। भाई मैं तो सब लूंगा, मुझे तो कोई मतलब नहीं है भाई। भाई बढ़िया चीज़ है, अगर हम लोगों को ऐसे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे भाई। लेट्स सी, प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा पैसा देना, मैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं भाई उतने ज़्यादा सामने से फ्रंट दे पाऊँगा उस। 20,000 रुपये की जगह एक हेड स्टैंड मारता हुआ इमोट मिल गया, थैंक यू भाई, क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। भाई कोई सोच सकता है कॉर्बेट को ऐसी जगह पे भी ले जाएगा। गाइस मैं कॉल लगाता हूँ फ्रेडी को और उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ हमारी सेकेंड रेस कहाँ होने वाली है। भाई फर्स्ट रेस में तो हम लोग ने झंडे गाड़ दिए, फ्रेडी इतना खुश हो गया कि भाई वो बंदा जो वो रेसर था ना भाई वो रो गया, तुम समझ रहे हो। भाई इतना ज्यादा खुश हो गया इससे फ्रेडी कि उसने हमें 15,000 रुपए भी दे दिए जीते के। गाइस मैंने अपनी M5 मंगा दी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सही बताओ ना M5 चलाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। लाइक रियल लाइफ में अभी नहीं चला सकते, बट एक दिन मैं ये गाड़ी जरूर खरीदूंगा, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा, सच्ची में पता है एक दिन ये गाड़ी तुम्हारा भाई जरूर खरीदेगा, तुम लोग देख लो भाई। आज बोल दिया ना तुम्हारे भाई ने, ओके दीदी 400 meters में लेफ्ट टर्न ले लेंगे। भाई ये गाड़ी क्या है यार, दिखने में ऐसा लगता है कि भाई BMW ही तो होगी कोई, और जब चलती है और आवाज करती है भाई, क्या गाड़ी है यार ये, कसम से भाई एक बार देखो इसको, इसको भगा के देखते हैं, खींच के देखते हैं भाई। 300 निकल रही है,
भाई थ्री स्टार स्पीड ट्रैप इंस्टेंट। ओ भाई साहब यार ये गाड़ी अलग ही बनी है भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई। बाकी भाई एक दिन जरूर लेंगे इसको, फ्लीट आर्मी का एक और मेंबर होगा वो होगी ये M5 भाई, BMW M5। ये लेजिट तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये मस्टैंग तो इसके खैर आसपास भी नहीं आती है, मस्टैंग तो इसको छू भी नहीं सकती, तुम समझ रहे हो। अगर रेस हो रही है और एक M5 है भाई, स्टेज 2 स्टेज 3 ट्यून्ड मस्टैंग को भी ये मारी है, समझ रहे हो। M5 वो भी स्टॉक भाई, बहुत तगड़ी गाड़ी है यार, बहुत ज़्यादा। भाई यार ये गाड़ी तो अलग ही है यार, ये तो तुम्हारे भाई के दिल में बसती है यार। GTR हो गई और एक ये M5 हो गई भाई, ये दो गाड़ियाँ ना यहाँ है भाई के यार। चलो गाइस पहुंच गए हम लोग भाई, चीड़ते हुए पहुंचे मजाक से हट के, बताए लेट्स गो गाइस। चलो थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा जल्दी, ब्रेकिंग भी अच्छी है भाई गाड़ी की, लेट्स गो। ओ नो विनो, अबे यार ये ग्रैंड पैंटानो स्प्रिंट है, मैंने इस वाली जगह पे पहले रेस करी हुई है भाई, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं जा रहा हूँ भाई अपनी GTR के साथ, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत बढ़िया, अनबिलीव मी ब्रो, बहुत बढ़िया एक एक चीज छोटी छोटी चीज तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से इसको ट्यून करा हुआ है पूरी की पूरी। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है ये भाई, वो लंबी वाली रेस होने वाली जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक होती है, ये लैप वाली रेस नहीं कि लैप पे लैप मार रहे हैं यार, ये रेसेस मेरे को थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी गाड़ी को कब क्या हो जाए यू नेवर नो, तुम समझ रहे हो। और कम हो रहा है कहने को, बारिश हो गई भाई, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि GTR भी फिसलती है, इवन तो ऑल व्हील ड्राइव है पर GTR भी करती है भाई गड़बड़ी। लेट्स गो, हट जा आगे से, यार क्या GTR है यार अपनी, पटाखे बजा लो भाई, मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने अपना जो पूरा का पूरा वो है ना, जो अपना पूरा का पूरा गैराज है भाई, वो एक एक गाड़ी करके हम बना जरूर रहे ना, पर बिलीव मी ब्रो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट भाई, कि तुम एक जैसे कैसे बताऊँ, जैसे हमारे पास बहुत गाड़ियाँ नहीं है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास हद से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, ऐसा नहीं कि हर दूसरी गाड़ी भाई फास्ट वाली गाड़ी नहीं, इज्जत से एक एक गाड़ी कमा कमा के बना रहे, धीरे धीरे करके उसको वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं मॉडिफाई करवा रहे हैं भाई। ये गाड़ी निकल रही है, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ गाइस भाई, ये गाड़ी लिटरली पानी में बहुत दिक्कत दे रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा रपट है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं। चलो 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 भाई, मुझे फर्स्ट आना ही पड़ेगा ब्रो, कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड थर्ड कुछ नहीं है यार। GTR मैंने गलत सेलेक्ट कर दी क्या? चल 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 भाई, ड्रिफ्ट भाई, लेट्स गो। संभाल अंशु संभाल भाई, पूरा पंजा नहीं दबाना है बस बारिश में, मेरे को इतना समझ में आ गया अभी तक यार। 56% रेस हो चुकी है गाइस, लेट्स गो बॉयज, एक और चेक पॉइंट, हम लोग परफेक्ट टाइमिंग पे जाके जा रहे हैं मजाक से हट के। 72% रेस अभी और बची हुई है, चल 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 भाई, हमें जीतनी पड़ेगी रेस भाई, धीरे धीरे थोड़ी बारिश कम हो रही है, इसकी वजह से GTR संभल पा। नो वे, संभाल अंशु संभाल भाई, इसकी गाड़ी बहुत सही एक्सेलरेशन पकड़ ली है, जो भी बंदा आया था अभी, लेट्स गो 95%, बस थोड़ी सी और संभाल अंशु, लेट्स गो। मुझे लगा था ये खत्म है गेम, मेरे को सच्ची में लगा मैं सेकंड आने वाला हूँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को दिल से लगा मैं सेकंड आने वाला हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को दिल से लगा मैं सेकंड आने वाला हूँ, और मेरे को डर लग गया था, क्योंकि उसके बाद भाई फ्रेडी हमें नहीं देता फरारी। ओ भाई साहब मेरे पसीने छूट गए भाई, ओ भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, ये GTR बहुत सही मॉडल है यार। ओ भाई लेट्स गो, इवेंट कंप्लीट, 14,000 क्रेडिट मिला है हमें।
भाई मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये GTR बहुत सही मॉड करी है मैंने, और दिखने की भी। यार यार ये तो अलग ही गाड़ी है, तुम समझ रहे हो ना भाई, ये क्या गाड़ी है यार मेरे लिए। यार ये तो ड्रीम कार है तुम्हारे भाई, एक दिन तो ज़रूर लूँगा, बट वो दिन आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत महंगी, एंड प्लस इंडिया की रोड्स के हिसाब से भी नहीं बनी है, लेकिन एक दिन ज़रूर लेंगे भाई, गारंटीड भाई, क्या लगती है ये गाड़ी। आए हाय। तो गाइस जितनी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उतनी देर में फ्रेडी ने मेरे को हमारी थर्ड और लास्ट रेस का एड्रेस बता दिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं। अगर ये रेस भी हम लोग फर्स्ट आ जाते हैं गाइस, बिलीव मी ब्रो, हम लोग फरारी ले पाएंगे। लाइक मैं कैसे बताऊँ यार, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ठीक है? क्योंकि सोचो कि मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, मतलब कायदे से हम लोग ही सारे पैसे दे रहे, सब कुछ हम दे रहे, बट भाई 3 मिलियन की गाड़ी लेने की अभी हमारे बस की नहीं है भाई, पर वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसको लेने में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है भाई, कमिंग फ्रॉम अ गैंगस्टर भाई, तुम समझ रहे हो, वो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, बस हम लोग को उसका नाम बनाना है, तुम समझ रहे हो, कि उनको लगना चाहिए कि भाई अगर फ्रेडी का रेसर आ गया तो सब डेड है भाई, ऐसे वाली चीज़ हो जाए। एंड अभी के लिए तो ऐसे ही हो रहा है भाई, 2 रेसेस में हम लोगों ने अपनी निसान GTR और कॉर्बेट स्टिंगरे से दिखा दिया भाई कि हाँ, अगर फ्रेडी का रेसर आ गया ना कहीं पे, तो पुंगी बजनी पक्की है जो भी हो फिर सामने भाई, लेट्स गो यार। ओके, राउंड अबाउट पे 3rd exit, 1st, 2nd, और ये होनी चाहिए 3rd exit। चलो भाई कसम से, तुम सोचो एक दिन यार GTR ऐसी मौसम में आए तो भाई ड्रीम ड्रीम वाली बातें हो जाती है थोड़ी सी, क्या लगती है यार, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, मैं तो तुमसे गारंटीड कहूँगा, अगर तुम लोग कभी भी किसी के घर जाते हो जिनके पास लाइक व्हील है या कुछ भी है, एक एक्सपीरियंस जरूर लेना भाई, ठीक है? जैसे अगर तुम्हारे भैया के पास या फिर तुम्हारे किसी दोस्त के पास व्हील है ना, एक एक्सपीरियंस जरूर लेना भाई, इतना मज़ा आता है ना, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता भाई कितना ज़्यादा। ओ भाई साहब, हम GTR से 360 कर रहे हैं भाई, 365। ओ भाई स्पीड जोन है, अरे क्या फर्क पड़ता है स्पीड जोन है तो भगाओ भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा भाई, इतनी तेज जा रहे हैं हम, 375 की स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग, मजाक से हट गए। ओ भाई साहब व्हील इतना टाइट हो चुका है ना। ओ या स्पीड हैंडलिंग प्रिसिजन कंट्रोल 3 out of 3 stars, वुड स्पीड जोन अगेन, लेट्स गो भाई, हम लोग लेजिट 375 कर रहे हैं पूरे टाइम। ओ भाई साहब किलोमीटर देखो कैसे कम हो रहे हैं, 100-100 मीटर ऐसे कम हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है सेकंडों में। ओ भाई साहब यार ये गेम अलग ही है यार, इस गेम में अलग ही मजा आता है, पर देख लो निसान GTR भी 375-376 पे जाके अटक जा रही है। अब तुम सोचो जो हम लोगों को नई फरारी मिलने वाली, मतलब खरीदने वाले जो हम फरारी, उसमें क्या होगा भाई, से संभालो थोड़ी भाई, हेलो ये थोड़ी ना तुम तोड़ते फोड़ते चलोगे भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, और अपनी गाड़ी में तो नुकसान हो ही रहा है। भाई GTR चलाने का अपना ही मजा है, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये गाड़ी इतनी वेल ट्यून्ड गाड़ी है ना मेरी, इतनी सही बना रखी है ना ये गाड़ी, मैं मजाक नहीं करूंगा, मेरा दिल आ जाता है भाई इस गाड़ी, मैं जितनी बार भी चलाता हूँ ना, देखो ड्रीम कार तो है ही मेरी, मैं मजाक नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे को कभी मौका मिला लेने का तो यही गाड़ी लूंगा मैं भाई, इतना पैसा होना चाहिए, बस 2.5 करोड़ की गाड़ी आती है, तुम समझ रहे हो। गाइस हम लोग पहुंचने वाले, लेट्स गो भाई। यार ये गाड़ी मैं जितनी तारीफ करूँ ना भाई, मेरा तो दिल हर बारी भाई इस पे ऐसे लट्टू होता है ना भाई GTR पे। यार क्या दिखने की गाड़ी है, क्या भागने की गाड़ी है, ओवरऑल भाई दिल ले जाती है GTR हर बार भाई। There we go guys, हम लोग पहुंच चुके हैं अगली डेस्टिनेशन पे, बाहिया दे प्लानो सर्किट, बाहिया दे प्लानो सर्किट, लेट्स गो गाइस, लास्ट रेस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप के प्लीज प्लीज हम लोग इसमें फर्स्ट आ जाए, ठीक है? अगर हम लोग इसमें फर्स्ट आ जाते ना गाइस तो अपना काम हो गया समझो तुम लोग, ठीक है? लेट्स सी क्या क्या रिकमेंडेड है, हमारी GTR दोबारा रिकमेंडेड में आ रही है इसमें, ओके? ये कैमेराजियल तो कभी नहीं चलाने वाला मैं भाई, कभी नहीं, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है? हम लोग अपनी सुपरा निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अपने पास एक करैरा पड़ी है लेकिन करैरा निकालेंगे नहीं, हम लोग अपनी AMG भी निकाल सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, AMG बिल्कुल ट्यून नहीं है तो वो भाग नहीं पाती है, उसकी एक्सेलरेशन अच्छी नहीं है स्टार्टिंग की, तो बहुत डेंजरस गाड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो ये बोल रहा है हमें हम M8 में रेस कर सकते हैं,
हम लोग अपनी ये इको स्पोर्ट कह रहा हूँ एस्कॉर्ट में कर सकते हैं। कमैरा तो दोनों में से कोई नहीं चलाने वाला मैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग अपनी GTR में कर सकते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मेरा मन है GTR से ही रेस करने का क्योंकि वो हमारी सबसे बढ़िया गाड़ी है इस जगह पे, बट मेरा मन M8 कूपे के लिए भी जा रहा है। पर मैं बोलता हूँ लेट्स गो M5 चलाते हैं, एक बार हो जाए भाई, एक रेस में तो M5 चलाते हैं भाई, लेट्स गो, देखी जाएगी भाई, इतनी अच्छी ड्राइविंग तो है, थोड़ा संभाल लूँगा मैं। सोचा M5 और सारी Lamborghini से फाइट, लेट्स डू दिस बॉयज, लेट्स डू दिस यार, हो जाए भाई, हो ही जाए भाई, हो ही जाए, लेट्स गो। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, धूल धक्कड़ क्या हो रही है भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने। भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ओ भाई ये कैसी रेस में डाल दिया फ्रेडी ने, भाई यहां तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, रोड नहीं दिखाई दे रही अच्छे से। ओ लेट्स गो, संभाल संभाल अंशु, भाई ये क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, चल 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 चल, हम लोगों को अगर इसमें हम फंस नहीं आए ना गाइस तो भूल जाओ कोई फरारी ले रहा है तुम्हारा भाई। ब्रेक 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 ब्रेक, बहुत ही गंदा टर्न है, चल चल चल, बहुत मुश्किल से फर्स्ट हुए भाई, यार यार ये गाड़ी रेस कार की तरह मुड़ नहीं पा रही है, बस पता तुम्हें जो हैंडलिंग होती है ना एक रेस कार की, फट फट कॉर्नर्स में कटती है भाई गाड़ी, वो नहीं कर पा रही है गाड़ी, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना इसके पैर के नहीं, अबे यार एक तो ये मोटी अंगूठी भाई, इतना मोटा अंगूठा है, मैं वो दबा रहा हूँ ई ब्रेक, चल 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 M5 चल ब्रो, नाक मत कटाना भाई, गाड़ियां मेरे जस्ट पीछे, एक गलती और बहुत बड़ी पेनल्टी, तुम समझ रहे हो, एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई, भाई मुंह के आगे का कुछ नहीं दिख रहा, तुम समझ रहे हो, ये और तेज, ये तूफान और तेज होते जा रहा है। लेट्स गो, चल 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 गाइस, ये लास्ट लैप है, अगर ये हम लोग ने खराब कर दिया ना तो खत्म है भाई, उसके बाद भूल जाओ कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, चल चल चल, कुछ दिखे ना दिखे आज तुम्हारा भाई फर्स्ट आएगा भाई, कुछ भी हो, चल 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 चल, यस तीनों रेसेस भाई, ओ भाई साहब कंप्लीटेड द सर्किट इन फर्स्ट पोजीशन, ओ भाई ये था टफ ब्रो, तुम लोग देखो एक बार, वन सेकेंड, मैं एक सेकेंड से आगे था उस, एक्चुअली हाँ एक सेकेंड से आगे था, ए 1.25 सेकेंड्स, बट फिर भी भाई यार ये बिल्कुल एकदम क्लोज इन था, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो भाई, बहुत मुश्किल से जीते बट M5 ने जिता ही दिया भाई, मेरे ख्याल से मैंने गलती से थी तड़ी तड़ी में भाई, मैंने बोला M5 चलाएंगे, लेकिन एक बढ़िया चीज़ ये हो गई कि ओह वाओ हम लोग को एक व्हील स्पिन भी मिला है, प्लीज़ प्लीज़ पैसे देना दबा के भाई, जितने ज़्यादा सीरियसली भाई 40,000 रुपये हटा के 5,000 रुपये देने में, मैं सोच रहा हूँ बुगाटी लेने की, ये 5,000 रुपये दे रहे हैं, अब हम लोग कुछ नहीं करना है गाइस, ये क्या जगह है भाई, ये क्या जगह है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा भाई, ये क्या जगह है यार, कसम से ब्रो कसम से, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत जगह है, लेट्स गो, हम लोगों को जाना है बस अब वापस से फ्रेडी के पास, एंड आई जस्ट होप वो अपनी बेट का एरिया रखे, एक मिनट व्हील स्पिन अर्न मैंने यूज़ कर लिया ना शायद से आकर, भाई बस फ्रेडी अपनी डील का पार्ट जो है ना वो निभाए भाई, मैं बस इतना चाहता हूँ भाई, अगर फ्रेडी ने अब धोखा दे दिया ना मैं रो दूंगा भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, मैंने वो लास्ट रेस, दो रेसेस तो भाई मक्खन थी भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, दो रेसेस बहुत ही आसान थी, बट वो जो लास्ट रेस थी ना इधर डेजर्ट में भाई कुछ दिख तक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रेस करके जीता है उसको कैसे ना कैसे भाई, पूरी M5 ठोक ओके बट जीत गए भाई, मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को मेरे को अभी कैसा फील हो रहा है भाई, वो डेजर्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो गया भाई, लेकिन हम लोग फर्स्ट आ ही गए, एंड अब देखो बात हम लोगों ने रख दी है जब फ्रेडी की, तो फ्रेडी भाई थोड़ी हमारी भी रखना भाई, लेट्स जस्ट होप भाई कि फ्रेडी अपनी बात से मुकर ना जाए, अब चलो चलता, अभी तो बहुत दूर है भाई, 5 किलोमीटर है, बट बिलीव मी ब्रो इस गेम में मैं तुम्हें बताता हूँ
एक जगह से दूसरी जगह जाने के दो तरीके हैं, एक है कार से जाते हो तुम, ठीक है, क्योंकि कार के अराउंड गेम है, और दूसरा है तुम्हें अनलॉक करने पड़ते हैं फास्ट ट्रैवल, नहीं तो तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं 9,000 रुपये अगर तुम्हें फास्ट ट्रैवल करना है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई। लाइक सोचो ना, एक रेस जीत के तुम्हें 15,000 रुपये मिल रहे हैं और तुम 9,000 रुपये दे रहे हो, 9,000 रुपये एक फास्ट ट्रैवल के, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ है कि मैं इसलिए फास्ट ट्रैवल नहीं करता, बट इस गेम के अंदर भाई अपनी तुम सोचो ना, तुम्हें जो एक जैसे सोचो तुम्हें सुपरा वैसे लगती है, ठीक है, तुम्हें मन करता है कि यार काश मेरे पास भी एक सुपरा होती, सुपरा चलाने में मज़ा आता है, या फिर तुम्हें भी GTR में मज़ा आता है, M5 में मज़ा आता है ऐसी गाड़ियों में। तो भाई वही वाली बात है ना कि जिस समय तुम्हें वो चलाने को मिले, जैसे मैं अभी ये चला रहा हूँ तुम लोगों से बात करते हुए, मेरे को जो दिल का सुकून मिल रहा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ भाई, जो दिल को ऐसे तसल्ली मिली ना, मज़ा सा आ रहा है इसको चलाने में और तुम लोगों से बात करने में, वो मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता कि कैसी फीलिंग है, बट फुल मज़ा है भाई। यही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है इस गेम की कि देखो, पहले तो सराउंडिंग इतनी खूबसूरत है, चारों तरफ इतनी बढ़िया ब्यूटी लगी हुई है, प्रॉपर ऐसे मज़ा आ रहा है, उसके साथ साथ फिर इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ दे रखी है ना, तुम जो गाड़ी सोचोगे वो गाड़ी इस गेम के अंदर है, समझ रहे हो, अलग ही फीलिंग है भाई। और बाकी भाई देखो, सबको पता है कि हम लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद तो नहीं सकते हैं, बट उसको गेम में ही चलाने को मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। लेट्स गो, पहुंच गए दोस्तों। ओके, हम लोग यहाँ तो आ गए, बट वो कहाँ गया? अबे फ्रेडी से हम जहाँ मिलते हैं वो कहाँ, अच्छा ये रहा, ये मिल गया, यहीं अंदर ही है। हाँ, क्या लगती है यार ये गाड़ी, डैम ब्रो, पोर्शा, पिंक पोर्शा घुमा रहे लोग, देख रहे हो। चलो दोस्तों चलते हैं, जाके फ्रेडी से बात करके आते हैं, एंड प्लीज़ विश मी लक गाइस, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, आई जस्ट होप फ्रेडी अपनी डील का पार्ट रखे, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो धोखा दे दे। गाइस सुबह से शाम हो गई लेजिट, बट अभी अभी मेरी फ्रेडी से बात हुई और अब वो बोल तो रहा है कि भाई तुम जाओ, जाके शोरूम से गाड़ी ले लो, मैंने पैसे पूरे दे दिए, मुझे अब हर महीने तुम 5,00,000 क्रेडिट दोगे, ताकि धीरे धीरे करके, मतलब कायदे से देखो कितना होता है, 5,00,000 क्रेडिट के हिसाब से 3,000,000 होगा तुम्हारा 6 महीने में, राइट, 5, 6, 30, हाँ, तो 5,00,000 के हिसाब से हमें 6 महीने में उसको वापस करनी है, बट आई गेस लेट्स जस्ट होप कि भाई फ्रेडी झूठ ना बोल रहा हो। अगर हम लोग बाई में जाते हैं और अब हम लोग फरारी में जाते हैं, ओके लेट्स गो, फरारी 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 ए एफ, देयर वी गो, फरारी FXX के ईवो, यस फ्री भाई, यस भाई लेट्स गो भाई। कलर कौन सा कराएं, ये मेन चीज़ है भाई, एकदम क्रेजी फेड देंगे, कुछ अलग सी एकदम अतरंगी। ओ भाई ये क्या लाल है, ओ भाई लाल है, पूरी फरारी लाल है भाई, फरारी में तो लाल कलर ही जचता है देखो, क्योंकि सीधी सी बात है फरारी बेसिकली होती लाल है। अबे ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन ये कैसा लाल है भाई, ना ना भाई ये तो मैं फ्री में भी ना लूँ, पैसे तो छोड़ो, ये तो बहुत ही गंदा कलर हो गया, ये बचकाना सा लग रहा है, कार्टूनिश लग रहा है बहुत। ये वाला लाल देखते हैं एक बार, ये लग रहा है थोड़ा ओरिजिनल लाल, जो फरारी का लाल हो, तो यस ये भी अच्छा है, बट और देखते हैं थोड़े से, इसको देखते हैं ये कैसा लग, ओके ये भी अच्छा लग रहा है, देखे एक बार इसको रोड पे, लेट्स जस्ट होप भाई उसने पैसे दे दिया और हम लोगों से वो चेकआउट करते समय पैसे ना मांगे, ठीक है, मेरे को अपने क्रेडिट्स देखने हैं भाई कि मेरे क्रेडिट्स जाते हैं या नहीं जाते हैं, ठीक है, देयर वी गो, हमारी फरारी FXX के ईवो आ चुकी है गाइस घर पे, लेट्स गो सी, ओ यस पैसे पूरे हैं, 5,00,000 क्रेडिट, लेट्स गो, ये हम लोग फ्रेडी को देंगे। ओ भाई देर इज़ नो वे भाई, ये हमारी हाइपर कार है भाई, ये हमारी फर्स्ट कार है जो हमारे पास इतनी तेज़ गाड़ी होगी, और सोचो ये अभी बिना, उसको टेस्ट करें एक बार इसकी स्पीड, तो भाई ड्रिफ्ट मारने वाली फरारी कौन सी है भाई। ओके 300 बट विदाउट एनी मॉड्स, ठीक है, ओ भाई ये तो
पटाखे बजाने वाली फरारी है भाई। ओ माय गॉड भाई ये क्या गाड़ी है भाई, मुझे इसको सही में टेस्ट करना है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ से वो जो स्पीड था ना जहाँ पर स्पीड कैप्चर होती है वहाँ तक का टेस्ट करते हैं एक बार इस फरारी को। ठीक है लेट्स गो भाई। फरारी को कभी भी ऑफ रोड नहीं चलाना चाहिए, ख़त्म हो जाएगी दो मिनट में गाड़ी, पता तुम्हें। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स सी। आई होप भाई ये एटलीस्ट 300 तो कर ले, क्योंकि देखो अपनी फुल्ली मैक्सड आउट सुपरा और GTR जैसी गाड़ियाँ कर रही भाई। GTR तो खैर बहुत फास्ट गाड़ी है भाई, वो तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड वाली चीज़ है। बट फिर भी वो गाड़ियाँ फुल्ली मॉडेड 300 कर पा रही थी, 340 कर पा रही थी। ठीक है लेट्स सी फरारी क्या करती है। लेकिन ये फुल्ली मॉडेड भाई, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर बता दूँ भाई, इस गाड़ी का कंट्रोल अमेजिंग है। ओ भाई साहब, भाई ये विदाउट मोड जा रही है भाई, इसने विदाउट एनी मोड 324 कर दिया। और ये दिखने की बहुत खूबसूरत गाड़ी है भाई, एंड बिलीव मी ब्रो इस गाड़ी का कंट्रोल भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हमारे कार कलेक्शन में अब आ चुकी है एक फरारी XXX के ईवो, XXXK कर दिया मैंने, XXK ईवो। चलो भाई मेरे को इसको और टेस्ट करना है, मजाक नहीं करूँगा मैं तो, देखता हूँ अगर किसी से मैं यहाँ पर रेस कर सकता हूँ तो किसी को देखता हूँ। रुको आके, ठीक है। ओ भाई ये बंदा करने को तैयार है, रुको रुको। भाई तुमने उस बंदे का ट्रक देखा भाई, आसपास दिखा भी नहीं है उसका ट्रक, तुम समझ रहे हो। ओ भाई मुझे तो लगा गई गाड़ी भाई, संभलेगी नहीं, बट ये गाड़ी इतनी बढ़िया कंट्रोल में, देखो सीधी सी बात है ना, सीधे पंजा दबा दिया तो उसने थोड़ी सी अपने ट्रैक्शन लूज कर दिया, बट भाई उसके बाद जो कंट्रोल हुई है गाड़ी, तुम समझ रहे हो, मैं रेते से उठा के लेके आ गया गाड़ी को दोबारा। लेट्स सी अगर कोई और भी हमारे साथ रेस करेगा तो, भाई अगर कोई आ जाता है इनमें से। क्या कोई आ रहा है भाई प्लीज रेस के लिए? यार मुझे सुबह तक का ये गाड़ी तुम लोगों को दिखानी है, तो मैं सोच रहा था तब तक का अगर कोई आ गया, गया वापस आ गया, वापस आ गया। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, उसने मेरे हॉर्न सुन लिया। आ रहे हो अभी? नहीं आ रहा। क्या चाह रहा है ये बंदा? अबे ऑडी घुमा रहा है क्या बंदा? आ जाओ आने दो, आने दो इसको भी आने दो। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, सब आ गए भाई, चार पांच बंदे। तुम सोचो ये रैंडम बंदे, तुम समझ रहे हो। लेट्स गो फरारी। भाई मैं तो पकड़ लूंगा उस बंदे को, तुम टेंशन मत लो। ठुक गया हो, वो घुस गया हो। ये देखो ये है बात फरारी की, तुम देख रहे हो 320 की स्पीड पे संभल रही है गाड़ी, मैं काट रहा हूँ ये गाड़ी को। भाई क्या है ये बंदी, ये गाड़ी क्या है भाई? मैं 320 की स्पीड में इस गाड़ी को बिना हैंडल के रोक सकता हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो कंट्रोल। और सोचो ये बिना मॉडेड है, वो बंदे की गाड़ी मॉडेड थी। अब तुम सोचो अगर मैं इस फरारी को मॉड, भाई ये क्या लग रही है यार सुबह की लाइट में। यार भाई भाई मुझे प्यार हो गया है भाई, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, ये क्या गाड़ी लग रही है भाई, मेरे पसीने छूट रहे हैं इसको देख के भाई। यार रेडी भाई, यार लौंडा तो काम का है यार। आ जा यार, आ रहा है आ रहा है, चलो लेट्स गो।
भाई बंदे उसके आर पार हो गए भाई, देख रहे हो कोई फरारी पे हॉर्न नहीं बजा रहा है भाई, फरारी है ना इसलिए। हाँ अभी यहीं पे मैं होता तो अपने हैरियर के साथ ऐसा हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देते। आजा भाई फोटो मोड में, फोटो खींच रहा है। अबे किसकी फोटो खींच रहा है भाई, आजा यार। अबे ओए ये पुलिस वालों को देने के लिए फोटो खींच रहा है भाई, निकलो भाई। ये पुलिस वालों को फोटो देने के लिए खींच रहा है, ये बोलेगा इसने जाम लगा रखा था। ओ भाई कितना तेज है वो। अब मैं समझा भाई, वो बंदा पुलिस वालों को भेजने के लिए फोटो खींच रहा है ताकि वो पुलिस वालों को बोल पाए कि ये देखो जाम लगा के बैठा हुआ है रोड पे। भाई क्या तेज बंदे होते हैं भाई, ये क्या गाड़ी है। There are so many Ferraris in Mexico. Granted, there is a Horizon Festival. अगर ये 20 से निकल जाता ना क्या मजा आता भाई। लेकिन आई एम नॉट गोना लाई, आई थिंक ये अभी तक के दिखने की सबसे ज़्यादा कूल, एंड अगर मैं इसको ट्यून करता हूँ तो इट विल बी वन ऑफ माई फास्टेस्ट कार, बिलीव मी ब्रो, इट विल बी। ये बहुत कूल है भाई, ये बहुत ज़्यादा भाई। इससे एक मिनट ड्रिफ्ट मार के देखिए, थोड़ा मुश्किल है इसे ड्रिफ्ट करना लाइक। भाई ये लेजिट दिखने की भी अंदर से बहुत क्रेजी दिखती है भाई। इसमें एक मिनट, इसे पीछे का कैमरा है सही में? मेरे पीछे गाड़ी है क्या? ओ हाँ सही में थी। व्हाट? रुको ये गाड़ी, ओ भाई इसमें लेजिट इसमें लेजिट वो गाड़ी दिख रही है भाई। रुको ये बंदा हाथ हिला रहा है, ठीक है लेट्स सी इसके पास जाते हैं। क्या ये बंदा हाथ हिला रहा है भाई? ये भूत भूत है क्या? और नहीं नहीं रुक गया, अच्छा नहीं भाई यहाँ हाथ हिला रहे हैं, यहाँ रुका हुआ है, पागल है क्या भाई? ये भूतूत वाला गाड़ी तो नहीं है ना कोई भाई। बट इसका इंटीरियर भी कितना क्रेजी है यार। भाई ये क्या गाड़ी है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, ये क्या ही गाड़ी है भाई। भाई इसको संभालना इतना ज़्यादा आसान है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम जहाँ को टर्न करोगे वहाँ को टर्न हो रही है देखो, वरना नॉर्मल गाड़ी इतने में रपटना शुरू कर देती है ना। ये गाड़ी रपट नहीं रही है, ऑफ रोड जाने के बाद भी नहीं रपट रही है। अब मैं समझ गया 3 लाख रुपये की क्यों है भाई ये गाड़ी। मैं 3 लाख कह रहा हूँ, 30 लाख रुपये की क्यों है ये, 30 लाख क्रेडिट की भाई। होनी भी थी भाई ये गाड़ी तो 30 लाख की भाई। यार ये बहुत क्रेजी गाड़ी है भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, मैं इस गाड़ी को चाहता हूँ भाई कि हम इसको मॉडिफाई करो और एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल बनाए भाई। भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना इसे मॉडिफाई करने के लिए भाई। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ भाई, 1.5 लाख लाइक दिखा दो इस वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो जैसे 1.5 लाख होते चाहे 2 दिन बाद हो जाए ना तब डाल दूंगा, बट गारंटीड इसको मॉडिफाई करते हुए वीडियो डाल दूंगा भाई। वीडियो तो लाऊंगा ही, मैं खुद चाहता हूँ इसको मॉडिफाई करना। भाई क्या गाड़ी है भाई, एक मिनट व्हाट, अच्छा नहीं अलग गाड़ी है तो ब्रो सेम टू सेम। भाई ये क्या गाड़ी है यार भाई, 1.5 लाख लाइक और मैं इसकी अगली वीडियो सीधे डाल दूंगा भाई इसको मॉडिफाई करते हुए। तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो फरारी XX के ईवो को मॉडिफाई होते हुए देखना तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना। मैं तुमसे जेन्युइनली प्लीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इसको जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना यार, गाड़ी है नहीं।